सरकार ने वृद्धा पेंशन योजना बनाई है ताकि वृद्ध जनों का जीवन यापन हो सके, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि बस्ती जनपद के बहादुरपुर ब्लॉक के भोयर गांव में सोमना देवी सहित 13 लोगों का वृद्धा पेंशन नहीं बनने से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारी समस्या यह बा कि अब तक ले अभी ले पेंशन नहीं बना, अगर जो केहू से कहे तो कहथिन कि हमें घूस मिली तब बनी 2000 रुपया दिया, तो 2000 रुपया हम कहाँ पाई, ना हमरे हो पाए नहीं बन पाए। पुनः अकया प्रधान रही तब से ही होत बा, अया प्रधान से हमसे कौनो मतलब है नहीं बा, वही अपने हमरे पट्टीदार से हमसे झगड़ा बा, वही में अपन हो नाराज रात वही से हमारे लोग कौनो काम नहीं बनवाए उनसे। लड़कन मेहनत मजूरी कई के और लड़कन के अपने दर दवाई से उनका बिटिया मेहरारू परेशान रहा था। हम लोग चाहे था कि हमार पेंशनिया बन जा, 4 पैसा वही से हमें लाभ मिले कि दुई कौर खाए पिए के। समस्या भैया हमारे पास ये बा कि हमारे आगे पीछे जो कर धरा वाला है नहीं, हम 2-4-6 साल से बीमार हालत में है और ऐसे गिरा पड़े लाग रहा था। 2 बच्चे हैं, बेटी हैं, अपने अपने घरे हैं, हमारे जो कर धरा वाला है नहीं भैया, 2 पैसा का मस्ताद है, खेती बाड़ी ढेर बाय नहीं, 2-2.5 बिस्सा खेत बा, प्रधान प्रधान लोग से इंसिन पेंशन कह भैया तो कहिए कि तुहार अभी सूची में नाम हो ना आए बाट है, सूची आखिर वोट दई जात बा कौने सूची से वोट दई जात बा, हर काम सूची वाला आवत है ओका कहिए तुहार नंबर है सूची अब तो बा, और पेंशनिया के दैया सूची हम लोग बन रहा प्रधान पावती हम भैया ये पाए चाहे पेंशन उन्शन लाग जात कहो 2 पैसा खबरों काम हो जात दर दवाई का अपने। मैं और समुदाय चाहता है कि इन लोगों का वृद्धा पेंशन बने ताकि इनकी परेशानियां दूर हों। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि बस्ती जनपद के समाज कल्याण अधिकारी जिनका मोबाइल नंबर 800-4263-7111 पर कॉल कर दबाव बनाएं। मैं विनय कुमार, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, इंडिया, हेड के लिए।